जी हाँ दोस्तों, सागर धनखड़ हत्याकांड केस में एक बात सामने आई थी जिसने सबको हैरान कर दिया था। ये बात थी कि पहलवान सुशील कुमार को लेकर एक साजिश रची जा रही थी छत्रसाल स्टेडियम में। सुशील कुमार को इस बात का डर था कि कई सारे जो जूनियर पहलवान हैं वो उसके खिलाफ हो चुके हैं और उसकी हर चीज़ की जानकारी सागर सोनू तक पहुंचा रहे हैं ताकि सागर सोनू उस पर हमला कर सके कि सुशील कुमार कहां पर कब क्या क्या कर रहा है। इसी बात का पहलवान सुशील कुमार को डर था और उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं सागर सोनू उसकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। तो सुशील कुमार ने बदला लेने की ठानी थी। एक तो पहले फ्लैट का विवाद था, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और ये बड़ी खबर थी। अब ये अफवाह थी कि सच्चाई थी कि सागर सोनू उस पर हमला करते, ये सब दोस्तों बात की बात है। लेकिन यहाँ पर जो सुशील कुमार का तरीका था बदला लेने का, उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल दोस्तों, जिस प्रकार से 20 पहलवानों को इकट्ठा करके सुशील कुमार ने 5 पहलवानों की पिटाई की, ये कहीं का कोई तुक नहीं बनता। यहाँ तक कि खुद सागर धनखड़ के पिता ने भी ये बात कह दी थी कि अगर सुशील कुमार को लगता था कि सागर ने कुछ भला बुरा किया है, कुछ गलत किया है, तो मुझसे आकर कहते, मैं सागर को ठिकाने लगाता, उससे पूछता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है, या फिर उसको एक चाटा लगा के उसको हमेशा के लिए छत्रसाल स्टेडियम से निकाल देते। तो उसने सुशील कुमार ने ये क्यों किया कि उसके बेटे को अकेले पकड़कर 20 पहलवानों से पिटवाया और इतना पीटा कि बेचारे की पीट पीट कर जान ही ले ली। तो ये दोस्तों, ये सब बातें लोग कहते नजर आ रहे हैं। वैसे तो ये कहने वाली बात वही है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि 4-5 मई की रात की ये वारदात हो चुकी है। इसमें कुछ बदला नहीं जा सकता, लेकिन यही है कि इन फ्यूचर कोई ऐसा कोई अपना बदला लेने की सोचता है तो ये तरीके बहुत गलत है कि मार पिटाई डराने धमकाने से उससे बदला लिया जा सकता है। बातों से भी बड़े से बड़े मसले हल हो सकते हैं, ये दोस्तों कई ग्रंथों में कई जगह लिखा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं सुशील कुमार ने इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया। उसके बाद वीडियो अलग से बनवाई, वो अलग दिक्कत थी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।